आर यू ऑल एक्साइटेड? यस सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मी दिस साइड। और आज हम लोग आए हैं अपने पूरे स्कूल के ट्रिप के साथ, 7 डे एडवेंटिस के साथ हम लोग आ चुके हैं पटना के गोलघर में। और आइए मैं बच्चों से पूछ के बताती हूँ कि हाउ हैप्पी दे आर। सो जस्ट कम, सो आइए पूछते हैं बच्चों से। मजा आ रहा है? यस। लाउड मजा आ रहा है? लाउडली ना? हाँ। यस मैम। मजा आ रहा है? यस मैम। They all are enjoying, और भी बच्चे उधर लंच कर रहे हैं। और मैं उनसे पूछती हूँ how they are feeling। मजा आ रहा है? क्या खाया हो लंच में? एप्पल। तुमको मजा आ रहा है? So our children and each and everyone is enjoying here। आइए इधर भी कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं। काव्या देखो, मजा आ रहा है तुम लोग को? पानी मजा आ रहा है? ये डायरेक्टर सर से बात करते हैं। सारा प्लानिंग हमारा डायरेक्टर सर का किया हुआ है। डायरेक्टर सर बताएंगे। सर बताइए इस ट्रिप के बारे में कुछ कुछ। हम लोग यहाँ पटना का गोलघर में आए हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारा 7th एडवेंटिस्ट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ आज चिल्ड्रंस डे के उपलब्ध में आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। टीचर्स बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। सरकार नीतीश कुमार जो कि इस बिहार को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, उनको धन्यवाद देंगे। और ऐसे ही हम गुजारिश करेंगे सरकार को कि कृपया ऐसे ही बच्चों के लिए ऐसे ऐसे जगह बनाएं, पार्क बनाएं, ताकि यहाँ की कम्युनिटी को लाभदायक बन सके। सर फॉर वंडरफुल स्पीच। सर बताएं यहाँ पे फिर अब हम लोग आते हैं मैम से पूछते हैं। मैम देखो कितने अच्छे से बच्चों की केयर कर रही हैं। बेचारी मैम पर्सनली लगी हुई है कुछ कुछ बच्चों में। मैम बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों का खुशी देख के, मुझे भी खुशी लग रहा है। पहली बार इन लोग ग्रुप में ऐसा आए हैं। आप इंजॉय कर रहे हैं, अपना जो भी अंदर का बस है, टेंशन है, उसको सब निकाल रहे हैं। रिलैक्स मूड में है आज, उनका पर्सनल ग्रोथ हो गई इससे। ये हमारे स्कूल का पहला ट्रिप है जो कि आए हम लोग सारे बच्चे यहाँ पे पटना के गोलघर में। और आप उधर देख सकते हो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। Now let's ask this bigger boys। मजा आ रहा है विवान? Yes ma'am। मजा आ रहा है? Yes ma'am, बहुत ज्यादा। Enjoy कर रहे हो? Yes ma'am। इसको तो Yes ma'am, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। Yes ma'am। हमेशा Yes ma'am। मैं कार्तिक को माइक हैंड ओवर करती हूँ क्योंकि इसको भी कुछ बोलना है। बोलो कार्तिक। बहुत मजा आ रहा है मैम खेल के। बहुत बहुत मजा आ रहा है मैम। बहुत मजा आ रहा है। Are you all happy? We are happy. Are you all happy? We are happy. Are you all happy? We are happy. And we have come. We are. Very good. Golghar. Where this Golghar is? In there. In Patna. Okay. Where is the Golghar? Okay. Wish you all happy Children's Day. Okay, good. आंटी मजा आ रहा है?
कि why it is called गोल घर, इसको गोल घर क्यों कहते हैं? एनिमल हमोल क्योंकि ये और इसका हिस्ट्री किसको किसको पता है? एनीवन हु नोस द हिस्ट्री अबाउट गोल घर? किसी को पता है हिस्ट्री गोल घर का? नो मैम, बोलो। किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता कि हिस्ट्री क्या है गोल घर का? नो मैम। ये गोल घर बहुत टाइम पहले बनाया गया था और इसमें ना ब्रिटिश लोग बनाए थे ये गोल घर, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा सूख पड़ा था, मतलब कि अकाल, ना पानी, ये पानी ना था, ना खाना था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम में ये गोल घर को बनवाया गया था ताकि जितना भी अनाज है, फूड ग्रेन्स है, इसके अंदर स्टोर कर सके। समझ में आ रहा है? इसके अंदर स्टोर कर सके। बट आज तक कभी भी इसके अंदर पूरा फूड ग्रेन्स नहीं भरा गया, क्योंकि इसका जो गेट जो बनाया गया है वो ऐसे अंदर की ओर खुलता है, तो जब अंदर की ओर खोलेंगे तो उसके अंदर फूड ग्रेन्स कभी नहीं भर पाएगा। जब गेट बाहर की ओर खुलेगा तब उसके अंदर हम लोग सब कुछ फिल कर सकते हैं, बट ये गेट अंदर की ओर खुलता है, इस कारण से आज तक इसमें फूड ग्रेन्स कभी नहीं भर पाया। तुम लोग के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इतना ही बताऊंगी। इसमें बहुत ज्यादा सीढ़ियां भी है, मेरे को सीढ़ियों का नंबर याद नहीं, बट इसके ऊपर से आपको पूरे पटना का व्यू दिखेगा। So that's all for today's vlog. Like, subscribe and share. See you in the next one. Bye bye. Comment करके जाना।